रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 14 में हर रोज कुछ ना कुछ नया समीकरण बनी जाता है। जी हाँ, पुराने अलायंसेस टूटते हैं और नए अलायंसेस बनते हैं। फिलहाल आपको बताते हैं नया झगड़ा जो कि हुआ निक्की तंबोली और राखी सावंत के बीच में। देखिए, हम जानते ही हैं कि निक्की काफ़ी देर से अपने कपड़े और अपना मेकअप और एक्सेसरीज राखी के साथ शेयर कर रही थी, जबकि उसका पहले राखी के साथ बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। राखी ने उसको बहुत गंदी गालियाँ दी थी, वो जो डक था उसका आया था। लेकिन उसके बाद भी निक्की उसको अपने कपड़े और चीज़ें दे रही थी। लेकिन अब जब से राखी का रूप बदला है और वो जिस तरह से हर किसी के साथ झगड़ा कर रही है, तो अपने एंटरटेनमेंट क्वेश्चन को उसने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो निक्की ने बोला राखी से कि राखी, जो मेरा सामान आपके पास है, मेरा सामान आप मुझे वापस कर दीजिए। तो आगे से राखी ने उसको बोला कि अरे, मैं काम कर रही हूँ किचन में, मैं नहीं दूंगी। तो निक्की ने बोला कि आप मेरा सामान है, मेरे हेयर बैंड आप वापस दीजिए। और अब जब राखी ने बोला कि मैं नहीं दूंगी, तो निक्की ने बोला ठीक है, तो मैं खुद से ही जाके ले लेती हूँ, बिकॉज वो मेरी चीज़ है और मैंने आपको दी थी, तो मैं वापस ले सकती हूँ। तो निक्की जाती है और जाके अपने हेयर बैंड उसके सामान में से राखी से उठा लेती है, और राखी आगे से उसको बोलती है कि अरे, मुझे मेरा आई शेडो वापस कर। तो निक्की अपना एक आई शेडो, जो एकदम ब्रांड न्यू आई शेडो है, वो लेके जाके उसको देती है राखी को और बोलती है कि तुमने पुराना यूज्ड आई शेडो था, ये लो, मैं तुम्हें ब्रांड न्यू आई शेडो दे रही हूँ। और जैसे राखी बिना आई शेडो के बॉक्स को बिना खोले बोलती है, अरे इतने गंदे कलर, छी 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 छी। और यहाँ से उन लोगों की लड़ाई और बुरी होनी शुरू हुई। और निक्की बैठी थी सामने मसाज चेयर पे स्पा में, और देवोलीना और राखी कर रही थी किचन में काम। और फिर जैसा कि आप जानते हैं, उसने ट्रिगर करना शुरू किया। ये आप देख सकते हैं कि निक्की हेयर बैंड उसके निकाल रही थी अपने और लेके जाएगी। लेकिन इसके बाद ये, जब तक ये तो हो गया, तो राखी अंदर से काफ़ी चिढ़ गई कि उसने अपना सामान वापस ले लिया। तो उसने वहां से उसको बोलना कुछ ना कुछ शुरू किया, तू तो गधी है, मैं तेरा ये हाल करूंगी, और ऐसा काफ़ी वर्ड्स। कुछ देर तो बैठ के निक्की आराम से सुनती रही, लेकिन उसके बाद निक्की का पारा घूम गया और निक्की उठकर गई राखी के पास, और उसने उसको बोला कि तेरे से तो ज़्यादा ही दम है मुझ में, तू क्या कर लेगी ज़रा पता चले मुझे भी। और ताकि इन दोनों के बीच में झगड़ा दोबारा कहीं हाथों पाई पे ना पहुंच जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि रूबीना और राखी का हुआ, उसके बाद देवोलीना और अर्शी का हुआ, तो अभी चीज़ों को, सिचुएशन को कंट्रोल रखते हुए फटाफट अर्शी और अभिनव आ गए और उन्होंने निक्की को अपने साथ काबू में कर लिया कि निक्की कुछ नहीं करे। और राखी जिस तरह से उसको भड़का रही थी, तो ये बहुत ही पॉसिबिलिटी थी कि निक्की भी अपना पारा लूज कर जाए और इनके बीच में कोई झगड़ा हो जाए। पर ख्याल हाथापाई पे बात नहीं हुई, जुबानी जंग हुई। और आप देखना मत भूलिएगा कि क्या हुआ पूरा का पूरा सीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और आपको ये भी बता दें कि हमने आपको कल ही वीडियो बनाकर दिखाया था कि किस तरह से देवोलीना आपे से बाहर हो गई थी और उसने घर में बहुत ही कोहराम मचाया। आप वो एपिसोड बिग बॉस में आज देखेंगे। और आपको बता दें कि आप वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देख लीजिए टीवी से पहले, और आप देखेंगे कि देवोलीना ने जो भी किया वो एक्चुअली कितना प्लान किया। उसने राखी के साथ बैठ के एक प्लानिंग की, जहाँ पे वो ये बोलती हुई सुनाई दी कि भैया अब तो इजाज का वापस आना नहीं है, तो अब मेरा हो गया, तो मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं। तो हम देवोलीना से जानना चाहते हैं कि देवोलीना कितना गंदा बोलती हैं सबको, इतनी सीनियर एक्टर होने के बाद भी उसके बाद वो दूसरों पर कैसे तोहमत लगाती हैं कि वो लोग गंदा बोलते हैं। खैर, आगे बताते हैं कि वो प्लॉटिंग क्या कर रही थी। उस वक्त राखी ने और देवोलीना ने प्लॉटिंग की, तो राखी ने उसको बोला ठीक है, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन कुछ फिर बड़ा करके जा। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो भी पूरा कोहराम मचाया देवोलीना ने घर में अर्शी के खिलाफ और उसमें रूबीना को भी अच्छे से लपेटा, तो वो पूरी की पूरी एक प्लान साजिश थी। आप लोगों को क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? आप हमारे दर्शक प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किसकी गेम कहाँ जा रही है, आपको क्या लग रहा है। एंड डोंट यू थिंक कि रूबीना और राखी और राहुल भी
काफी परेशान है ये देख के, क्योंकि जो पहले अभिनव और रूबीना के दुश्मन थे, जिसमें अर्शी भी शामिल है और निकी भी शामिल है, वो भी रूबीना की तरफ हो गए हैं। और यहाँ तक कि जो झगड़ा हुआ था अली के बीच में और अभिनव के बीच में, वो डिफरेंसेस भी उन्होंने हटाकर एक दूसरे की तरफ, कह सकते हैं दोस्ती का हाथ नहीं पर एक यू नो कमेडरी उन्होंने आपस में कर ली है, और वो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अली का रूबीना की तरफ जो बहन वाला प्यार है वो तो विजिबली दिखाई देता ही है। अब वो किसी गेम का हिस्सा है तो वो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी वो पूरा ये शो करता है कि वो रूबीना को अपनी बहन मानता है और वो बहुत अच्छी है। तो ये सब देख के हमने देखा कि राहुल काफ़ी चिंतित हो रहा था कि अली ने अभिनव के साथ अपने डिफरेंसेस हटा कैसे दिए। कहिए आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।